गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और बीमार चल रहा हूँ आजकल, जुकाम बुखार चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो यही सब है भाई। इसलिए व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबे गैप में आ रहे हैं, मतलब देर से आ रहे हैं। कल अभी जा रहे हैं हम स्टेशन पे, धीरज जा रहा लखनऊ, उसने बुलाया था। तो सिंगर है भाई, आजकल बहुत बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बताते हैं अभी आपको चल के आगे, पहले ऑटो पकड़ते हैं। ये भाई हमारे मिल गए हैं, धीरज भाई बहुत बड़े सिंगर हो गए हैं। अरे यार, मैं आपको बताता हूँ अभी इनके बारे में, कहीं सन्नाटे में चलते हैं। ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा लगता है, इधर चल के हम लोग बातें करते हैं थोड़ी सी, और आपको बताते हैं भाई की जर्नी के बारे में। क्या अभी ये थोड़ा ऊपर लेवल में आ गए हैं, पहले भाई इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, तो चलते हैं अभी आगे। ये देखो, ये रेलवे कॉलोनी है, और ये यहाँ पर बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, इसकी लटाएँ देखो कैसे चमक रही हैं। ये देखो भाई, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी चट्टाएँ, बहुत पुराना पेड़ है ना ये। तो भाई अभी हम हाल ही में जहाँ लखनऊ में इंटरव्यू देने गए थे हम और जैम, तो हमने तो वहाँ इंटरव्यू दिया नहीं था क्योंकि हमें जॉब करनी ही नहीं थी। जैम ने दिया था, उसका हो गया था। तो वो ना कुछ बॉलीवुड टाइप का ऑफिस था, मतलब बॉलीवुड से डायरेक्टर एक्टर है वो, डायरेक्टर वगैरह है वो, सिंगर वगैरह को लेते हैं और एक्टर्स लेते हैं। तो जैम ने धीरज को वहाँ पर एडवाइस किया कि वहाँ चलो चलते हैं, और फिर वहाँ धीरज भाई गए, वहाँ अपना गाना सुनाया और सबको इम्प्रेस कर दिया, सबको एकदम मुग्ध कर दिया अपने आप में। स्माइल करो इधर, इधर देख के स्माइल करो, ये थैंक यू। और वो जो डायरेक्टर था, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया धीरज से, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया कि उसने कहा कि भाई तुम मेरा फ्लैट ले लो और लखनऊ में ही रहो, यानी से हरदोई अप डाउन करना बंद कर दो। तो भाई इनको फ्लैट मिल गया हज़रतगंज में लखनऊ के, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ आराम से रहते हैं। कसमंडा हाउस, वहाँ का एरिया बहुत अच्छा है। और वहाँ पे थोड़ा दूर जाके 40 रुपये में भाई तीन तरीके की सब्जी, एक दाल और चावल, चार रोटी, ये बताना जरूरी था क्या? तो भाई ये होता है टैलेंट की आजकल बहुत कदर है। अगर आपके अंदर टैलेंट है आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे इन्होंने एक हफ्ते तक काफ़ी मेहनत की, उस ऑफिस के काफ़ी चक्कर लगाए। ये रात में 11 बजे हरदोई पहुँचते थे, फिर उसके बाद लिफ्ट मांगते हुए पियानी जाते थे। कभी एम्बुलेंस से लिफ्ट मांगना, कभी डाले वाले से लिफ्ट मांगना, कभी नहीं लिफ्ट मिली तो वहीं सो गए फुटपाथ पे ही। तो ये भाई स्ट्रगल किया इन्होंने, और आज ये थोड़ा बहुत सक्सेस की राहत हैं। तो अगले महीने में 9 तारीख को इनका इवेंट लगा है लखनऊ में, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आएंगे, और जो इनका डायरेक्टर है ना वो इस इवेंट पे 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो उसमें धीरज भाई सिंगिंग करेंगे, हम भी जाएंगे व्लॉग बनाने लखनऊ के हयात होटल में। मज़ा आएगी, हमें एंट्री मिलेगी कि नहीं? एंट्री मिलेगी इनको कि नहीं? मिलेगी यार, हम दिलाएंगे ना एंट्री, आपको भी दिखाएंगे। भाई बहुत अच्छा गाना गाता है, हमने आज एक वीडियो पोस्ट किया इसका इंस्टाग्राम पे, बेख्याली वाला, देखना आप लोग जाके। यहाँ पे हम लोग आए हैं वीडियो शूट करने, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है ना, इसीलिए बढ़िया जगह है। लेकिन चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, स्टेशन के पीछे का हिस्सा है ना ये, ऐसे देखो ये सामने पुल है सीतापुर डाला, ऐसे दिखेगा आपको, देखो ये वाला, वो गाड़ियाँ निकल रही धीरे धीरे। तो ये थी भाई स्ट्रगल और टैलेंट की कहानी, जो कि भाई ने बहुत किया, और उनको टैलेंट की वजह से काम भी मिल रहा है थोड़ा बहुत, जो भी है। बस ये है कि ऐसे आप सक्सेस करते रहें बढ़िया से, और बढ़िया से ऑडी और मर्सिडीज़ में बैठ के आए हमारे पास, तो सही लगे हमको यार। बॉलीवुड सिंगर बन जाए तो काफ़ी सही रहेगा यार। भाई समझो, इतना बड़ा बढ़िया फ्लैट मिला है, एसी वगैरह, टीवी वगैरह सब लगी, उसमें सोफे वगैरह पड़े हैं, एकदम मस्त। ये होती है किस्मत, फट से पलटती है यार, अभी पलट जाए और अभी पलटना बाकी। तो अभी भाई भाई से हम विदा लेते हैं, हमें जाना है कचहरी, आज हमारी तारीख है। थोड़ा कैसे चल रहे हैं इसी चक्कर में, तारीख करके आते हैं, थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ी है, जुकाम है ना इसीलिए। फाइनली भाई मिल चुका है ऑटो, और चलते हैं अब कचहरी। तो भाई हम आ गए हैं कचहरी के पास, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार, हमारी कभी यहाँ दुकान हुआ करती थी, दुकान हटा दी गई, क्या करें। लेकिन भाई ट्राई कर रहे हैं, अगर रख गई दोबारा से तो काफ़ी सही रहेगा, मतलब यहाँ पे कचहरी में दुकान रखने का मतलब है कि मतलब ठीक ठाक चलना उसका, चल जाएगी, मतलब बहुत काम रहता है ना यहाँ पे। देखते हैं भाई, अगर सब कुछ ठीक रहा तो रखी जाएगी। अब चलते हैं अंदर आगे कचहरी में। A few moments later. तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, कचहरी में हमने कुछ भी शूट नहीं किया, और वहाँ पे क्या ही करते यार, मतलब सब कुछ तो आपको देखा हुआ है, तो इसलिए हमने नहीं किया, जो भी काम था अपने निपटा लिया, फिर हम घर चले आए। एंड अभी शाम हो चुकी है, एंड एक बात कहनी आप लोगों से, बहुत इंफॉर्मेटिव है, मैं बहुत परेशान हूँ आजकल यूट्यूब को लेके। एक्चुअली बात यह है कि मेरी एक वीडियो थी जिसमें गांव में मारपीट हो रही थी, उस पर 2,20,000 व्यूज़ थे,
तो ये वाला सीन था। और 2,20,000 व्यूज़ हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब उस वीडियो से मैं अच्छा खासा कमा रहा था एक तरीके से देखा जाए तो। जो मेरी यूट्यूब पेमेंट भी अभी आई हाल ही में, वो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा था। तो उसको यूट्यूब ने क्या किया, उसको येलो डॉलर कर दिया, मतलब लिमिटेड कर दिया। और ये बताया कि इसमें मारपीट की गई है बच्चों के द्वारा, जो कि सही नहीं है, और उसको उन्होंने येलो डॉलर कर दिया। अब यार सही नहीं है तो तुम पिछले एक साल से क्या कर रहे थे भाई? वो वीडियो आज की तो है नहीं, एक साल पुरानी है। तो एक साल से वीडियो अच्छी खासी चलती रही, वो अच्छे खासे व्यूज़ आते रहे, व्यूज़ अभी भी आते हैं उस पर। पर डे 2,000 व्यूज़ आते हैं, पर डे 2,000 व्यूज़ एक वीडियो पर। ये भाई यूट्यूब है, मतलब ये यूट्यूब जो है ना, कुल मिला के हमारे पीछे पड़ चुका है पूरी तरीके से। अभी हाल ही में ये हुआ था कि इसने हमारी पूरी वीडियो डिलीट कर दी थी यूट्यूब से। उसमें बताया था कि इसमें नग्नता दिखाई गई है, जो हम नहर पर नहाने गए थे, वो भी अच्छी खासी रन कर रही थी, मतलब 60-70,000 व्यूज़ थे उस पर लगभग आराम से। तो ये सब है भाई, इसलिए हम ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत हमारी इच्छा नहीं होती ब्लॉग बनाने की आजकल यूट्यूब पे। चैनल हमारा वैसे भी डाउन होता जा रहा है इसी चक्कर में, क्योंकि हम ब्लॉग नहीं डालते हैं। तो ये सब सीन है भाई, अब क्या करें, बहुत परेशान है यार। आप लोग बताओ हम क्या करें, कैसे छुटकारा पाएं चीज़ों से। मतलब जो हमारी मेन मेन वीडियोज़ थी यूट्यूब ने वही उड़ा दी यार, बहुत ख़राब लगता है सब देख के यार। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुश्किल से कंटेंट निकालते हैं, हर समय कैमरा ऑन रखते हैं कि कहीं कुछ हो जाए तो दिखाएं आप लोगों को, लेकिन नहीं भाई, यूट्यूब का काम है बस उड़ा के फेंक देना। ये सब चीज़ें हैं भाई, इसलिए हमारा मन नहीं करता, बस इसलिए हमने आपसे ये वाली बातें शेयर कर दी। तो ये था भाई, और आशा करते हैं जो भी है आपको ठीक लगा होगा। फिलहाल अपनी राय बता रहे हैं इसके बारे में क्या है। चलो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गाना सुनाओगे? हाँ कुछ सुना दे। अरे छोड़ो रहने दे यार, बहुत सुना दिया तुमने। बोर हो गए लोग सुनते सुनते यार।